किस्सा 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है और उस दौर में इसे नाम दिया गया था अजनाला ब्लैक होल कांड। उस दौर में हर सैनिक पलटन का नंबर हुआ करता था और उसी में से एक थी 26 नंबर पलटन, जिसके कुछ सिपाही अमृतसर की तहसील अजनाला से 6 मील की दूरी पर रावी नदी के किनारे आराम कर रहे थे। ये वे सिपाही थे जो 30 जुलाई की रात को लाहौर की छावनी से निकलकर भाग गए थे। उन्होंने किसी विद्रोह में भाग नहीं लिया था, संदेह के कारण उनके हथियार भी रखवा लिए गए थे और इन सबको कैद कर लिया गया था, जबकि वे बिल्कुल निर्दोष थे। इसके विषय में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी किताब द क्राइसिस इन द पंजाब में लिखा कि 31 जुलाई को दोपहर के समय जब हमें मालूम हुआ कि लाहौर छावनी से भागे हुए कुछ सिपाही रावी के किनारे पड़े हुए हैं, तो हमने अजनाला के तहसीलदार के साथ कुछ सिपाहियों को इन्हें घेरने के लिए भेज दिया। शाम के 4 बजे 80 सैनिकों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए और जाते ही इन सिपाहियों पर गोलियां चलानी आरंभ कर दी। इनमें से कुछ रावी में कूद गए और कुछ घायल होकर निकल भागे। इन सैनिकों की संख्या 500 के करीब थी। नदी के ऊपर की ओर लगभग 1 मील की दूरी पर एक छोटा सा टापू था। कुछ लोग तैरते हुए रावी पार कर गए थे और उन्होंने वहां शरण ले रखी थी, परंतु वहां भी भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया। वहां 2 किश्तियां मौके पर मौजूद थी। कुछ सशस्त्र सवार इन किश्तियों में बिठाकर इनको पकड़ने के लिए भेज दिए गए। 7 बंदूकों के मुंह इनकी तरफ कर दिए गए। जब उन्होंने बंदूकें देखी तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्राण भिक्षा मांगी, परंतु इन्हें गिरफ्तार करके रावी के उस पार पहुंचा दिया गया। निराश होकर कुछ सिपाहियों ने रावी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस समय जोर की बरसात हो रही थी और नदी का पानी अपने उफान पर था। इन्हें 6 सैनिकों की देखरेख में अजनाला पहुंचा दिया गया। अजनाले के थाने में ही इनको फांसी देने और गोलियों से उड़ाने का पहले ही प्रबंध कर रखा था। 282 रस्सियों से बंधे हुए सिपाही और कुछ मकामी ऑफिसर रात के समय अजनाला थाने में पहुंचे। वहां इनको बंद कर दिया गया और जो सिपाही थाने में न आ सके उन्हें पास ही बनी हुई तहसील के एक छोटे से गुंबद में बंद कर दिया गया और इसके दरवाजे चारों ओर से बंद कर दिए गए। फांसी दूसरे दिन सवेरे के लिए स्थगित कर दी गई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल इन अभागों को 10-10 करके थाने से बाहर निकाला गया। 10 सिख सैनिक बंदूकें लेकर एक ओर खड़े थे और 40 सैनिक इनकी मदद के लिए खड़े थे। जब यह सिपाही थाने से बाहर निकलकर सामने आते तो इन्हें गोलियों से भून दिया जाता। जब थाना खाली हो गया तो तहसीलदार की बारी आई, जहां 66 आदमी बंद किए गए थे। जब गुंबद के 21 सिपाही बाहर निकालकर गोलियों का निशाना बना दिए गए तो पता चला कि बाकी सिपाही गुंबद से बाहर नहीं आना चाहते, और जब अंदर जाकर देखा तो 45 सिपाही मूर्छित पड़े थे, यानी बेहोश थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें से कुछ मर चुके थे। इन लोगों की लाशें घसीटकर गुंबद से बाहर निकाली गई। और इन्हें एक पुराने कुएं जो कि अजनाला के पास था उसमें फेंक दिया गया और कुएं में मिट्टी डालकर इसे भर दिया गया। मिट्टी की तह में ये किस्सा भी दफन हो गया। लेकिन आज 2022 मई 2 जब ये किस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पर इन दिनों अजनाला के बड़े सारे चैनल्स, अजनाला के लोकल और हिंदुस्तान के बड़े सारे चैनल मेरे साथ साथ इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कुआं अब फिर से सामने आ चुका है। लाशों से लबालब भरा हुआ वो कुआं अब हड्डियों से भरा हुआ है और 2022 में जब इसे निकाला गया तो तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने
तब ही किताबों में इसे लिख डाला था और उन्हीं किताबों में से ये किस्सा मेरे सामने भी आया। तो 1857 की ये पहली किश्त जब आपके सामने रख रहा हूं तो यूं लग रहा है कि क्यों ना एक बार फिर से 1857 की क्रांति के दिन, क्रांति के लोग और क्रांति की उन गाथाओं को एक बार फिर से दोहरा दूं, जिस तरह से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी कहानियां सुना चुका हूं। कभी सोचा नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि 47 के अलावा कभी 57 पे भी बात करूंगा, लेकिन आज जब अजनाला वाले इस केस को देख रहा हूं तो मुझे हरियाणा के उन शहीदों की याद आ रही है जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, जो सरहद के इस पार बैठे हैं और जो सरहद के उस पार बैठे हैं, ये सब लोग गवाह हैं उस जंगे आज़ादी को पाने के लिए जो 1947 में हमने पाई। 1857 का वो मिशन जो अंग्रेज़ों को भगाने के खिलाफ था, जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बनाया गया था, वो मिशन कामयाब हुआ 1947 में। 100 साल की उस अवधि के बाद भी आज 75 साल बीत चुके हैं, यानी 175 साल के बाद मैं फिर से 1857 की क्रांति के वो दिन, वो लोग कुछ किताबों से, कुछ गाथाओं से ढूंढ कर आपके सामने लाना चाहता हूँ और उसकी तैयारी मैंने कर दी है। आने वाले कुछ दिनों में आप इसी तरह के कुछ ऑडियो सुन पाएंगे जो जंगे आज़ादी 1857 से जुड़े हुए होंगे। शुक्रिया। इकोनॉमी के तौर पे, सोशल तौर पे आप देख ले, लाइन ड्रा हुई। पाकिस्तान का एक हिस्टोरियन है, इंडिया के भी 3-4 हिस्टोरियन है, पिछले दिनों भुला भुला के उनके लेक्चर करवा रहे थे, झूठ है सारा। इश्ताक अहमद है एक बंदे का नाम, 2-3 यहाँ के और भी हैं, वो बता रहे थे उसमें कि जी पहले हमने तो लाहौर वैसे ही दे दिया। अरे तुमने कहाँ से दे दिया? पार्टीशन प्लान तो वावेल तैयार कर चुका है, ये रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने खुद देखा है, मेरे पास रिकॉर्ड है ये। एज ए हिस्टोरियन आई एम टेलिंग यू, 80% कन्वर्टेड है, ये हिंदू हैं सारे के सारे। 15% सेंट्रल एशिया के हैं, इनमें एक भी अरब नहीं है। और जिन्ना जिस धर्म को लेके आया था वो अरब था, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अरब रिलीजन था, उसमें मजार पे हरिकृष्ण लाल गाबा के बेटे ने जब पहली जो है वो लगाई थी बिजली का प्लांट, बिजली घर जिसको कहते हैं, पहली बिजली उसने लाहौर का सबसे बड़ा सूफी जो था उसकी मजार पे दी थी। कहा किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। कहा, मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा, कहा किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। किराड़ अरोड़ा खत्री इंक्लूडिंग हिंदू एंड सिख, सो अलर्ट, एकदम अलर्ट है टोटल। सोया है ना, तब भी मत सोच लेना कि सोया हुआ है। और 65% रेवेन्यू देने वाला जब इंडिया में इस हिस्से में आया था, वो 12 लाख घर छोड़ के आया था, और 12 लाख घरों के मुकाबले में उसको यहाँ मिले थे 1,12,000। 67 लाख एकड़ जमीन छोड़ गया है, इरीगेटेड लैंड, जो आप भी जिक्र कर रहे थे, लायलपुर, मेंटकुमरी, सरगोदा, ये कनाल कॉलोनी जो बसाई गई थी वो यहाँ के थे। जितना कंट्रीब्यूशन हिंदुओं का और सिखों का है वो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है, आई एम स्पीकिंग एज ए हिस्टोरियन, 1,000 साल के इतिहास में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन सर गंगाराम का है, हरकृष्ण लाल गाबा का है, दयाल सिंह मजीठिया का है, सुंदर सिंह मजीठिया का है, बेली राम और उसके भाइयों का है, मेला राम और उसके भाइयों का है, राम शरण दास और उसके भाइयों का है। दादा मेरे फिलंथ्रोपिस्ट थे, अपने एरिया के लंबड़दार थे, उनका एक भाई पटवारी था, उनका एक भाई जो है टीचर था। आसपास के गांव वालों ने घेर लिया मुसलमानों ने, उस गांव के मुसलमानों ने तलवारें लेके खड़े हुए थे कि हम इसके अंदर नहीं जाने देंगे आपको, आप भारत की आज़ादी मना रहे हैं। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा बलिदान इस कम्युनिटी का है, जिसने आज़ादी के लिए 1,20,00,000 लोग उजाड़ दिए, उन्होंने घरों को छोड़ दिया, अपनी आज़ादी को छोड़ा नहीं, आज़ादी ली,